आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं अफगानिस्तान से संबंधित हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिए हाल ही में इस्लामाबाद गई थी। उस यात्रा के दौरान भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में हुए घटनाक्रम पर मैं इस पुनीत सदन और माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगी। ये सम्मेलन हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया का 5वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, जो 8-9 दिसंबर 2015 को इस्लामाबाद में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य सुरक्षा और संपर्क को बढ़ाना था। ये सम्मेलन अफगानिस्तान में स्थिरता तथा विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और उसके भविष्य के प्रति हमारी आस्था को पुनः दोहराने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना। हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान पर राजनीतिक विचार विमर्श और क्षेत्रीय सहयोग की एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रक्रिया है। भारत ने हार्ट ऑफ एशिया में प्रारंभ से ही एक सक्रिय भूमिका निभाई है। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान के निकटवर्ती तथा विस्तारित पड़ोसी मित्र राष्ट्र, उसका समर्थन करने वाले अन्य राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं और एक संगठित, लोकतांत्रिक, स्वतंत्र, मजबूत तथा प्रगतिशील अफगानिस्तान के लिए राजनीतिक विचार विमर्श करते हैं और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इस्लामाबाद की मेरी इस यात्रा में भारत की अफगानिस्तान के प्रति इसी मजबूत प्रतिबद्धता को फिर दर्शाया गया। इस सम्मेलन में मैंने अपने वक्तव्य में अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के रास्ते भारत तक पूर्ण एवं सीधे ट्रांजिट मार्ग खोलने का आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के परिप्रेक्ष्य में मैंने दक्षिण एशिया में शांति और विकास के लिए आत्मविश्वास और परिपक्वता के साथ मिलकर काम करने की पैरवी भी की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहूंगी कि इस्लामाबाद की अपनी इस यात्रा के दौरान मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ से मुलाकात की और पाकिस्तान के अपने समकक्षी सरताज अजीज के साथ भी विचार विमर्श किया। इन बैठकों के उपरांत पाकिस्तान के साथ एक समग्र द्विपक्षीय वार्ता यानी कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू करने के सरकार के निर्णय की घोषणा 9 दिसंबर 2015 को इस्लामाबाद में एक संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से की गई। ये निर्णय दोनों देशों के बीच हाल ही के घटनाक्रमों और वार्ताओं, विशेषकर 6 दिसंबर 2015 को बैंकॉक में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हुई रचनात्मक बातचीत के उपरांत लिया गया। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की यह बैठक 30 नवंबर 2015 को पेरिस में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ के बीच हुई बातचीत के परिणाम स्वरूप हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को विदित है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ को मई 2014 में भारत में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अन्य सार्क देशों के नेताओं के साथ आमंत्रित किया था। ये निमंत्रण पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता था, साथ ही कि दक्षिण एशिया में पारस्परिक एकता के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति एवं विकास की हमारी सोच के अनुरूप था। प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ की नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुई इस प्रथम बैठक में हमने भारत पाकिस्तान संबंधों पर अपने विचारों और आतंकवाद तथा हिंसा पर हमारी चिंताओं से पाकिस्तानी पक्ष को अवगत कराया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच मई 2014 में दिए गए निर्णय के अनुरूप निर्धारित बैठकें नहीं हो सकी। उपाध्यक्ष महोदय, सदन को विदित है कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने जुलाई 2015 में उफा में मुलाकात की और इस बात पर सहमत हुए कि शांति सुनिश्चित करने और विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दोनों देशों की है। उन्होंने सभी प्रकार के आतंकवाद की भर्त्सना की और दक्षिण एशिया में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमति भी व्यक्त की। इसी उद्देश्य से दोनों देशों ने आतंकवाद से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। दोनों ने यह भी इंगित किया कि दोनों देश सभी बकाया मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उफा सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ ने हमारे प्रधानमंत्री जी को वर्ष 2016 में सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद आने के लिए आमंत्रित किया। उफा में प्रस्तावित दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों
और BGMO की प्रस्तावित बैठकें नहीं हो सकी, इसके कारण हम सब जानते हैं। हालांकि उफा में हुई सहमति के अनुसार सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच बैठक हुई और कई मानवीय पहलुओं को भी लागू किया गया। उपाध्यक्ष जी, इसी पृष्ठभूमि में जब हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ के साथ 30 नवंबर को पेरिस में COP21 शिखर वार्ता के दौरान मिले, तो इस बात पर चर्चा हुई कि दोनों देशों के बीच दोबारा किस तरह बातचीत का माहौल बनाया जा सकता है। इसके पीछे ये भावना थी कि हम दोनों पड़ोसी देशों के बीच लगातार दूरी हमारे क्षेत्र में शांति स्थापित करने और इसे एक प्रगतिशील क्षेत्र के रूप में विकसित करने के हमारे साझा सपने के मार्ग में एक अड़चन है। साथ ही यह भी बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारे बीच संबंधों को विकसित करने के मार्ग में मुख्य बाधाओं, विशेषकर आतंकवाद से प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से निपटने की भी आवश्यकता है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह सदन भी इस भावना से पूरी तरह सहमत होगा। उपाध्यक्ष जी, पेरिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी की बातचीत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने निर्णय लिया कि दोबारा NSA स्तर की बातचीत शुरू की जाए और उसी के अनुसार दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 6 दिसंबर 2015 को बैंकॉक में मुलाकात की। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत स्पष्ट, सौहार्दपूर्ण तथा रचनात्मक माहौल में हुई। ये चर्चा शांति और सुरक्षा, आतंकवाद, नियंत्रण रेखा पर अमन चैन और जम्मू कश्मीर पर केंद्रित थी। जम्मू कश्मीर वो राज्य है जो आतंकवाद और नियंत्रण रेखा के उल्लंघन से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के लिए मेरी इस्लामाबाद यात्रा सुरक्षा, आतंकवाद इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच सकारात्मक बातचीत के 2 दिन बाद हुई थी और इस्लामाबाद में मेरी प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ तथा श्री सरताज अजीज के साथ बैठक इसी सकारात्मक प्रगति की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने आतंकवाद की भत्सना की और इसे खत्म करने के लिए आपसी सहयोग करने का संकल्प लिया। साथ ही हमने मुंबई आतंकी हमले से संबंधित न्यायिक कार्रवाई में पाकिस्तान द्वारा तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। पाकिस्तान द्वारा भारतीय पक्ष को इसे शीघ्र अंजाम तक पहुंचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में आश्वस्त किया गया। उपाध्यक्ष जी, इसी के अनुसार पाकिस्तान के साथ एक नए शीर्षक समग्र द्विपक्षीय वार्ता यानी कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग के अंतर्गत बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया गया। दोनों देशों के विदेश सचिवों को इस नई वार्ता की रूपरेखा और सारणी तय करने का काम सौंपा गया है। उपाध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि ये सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस संबंध में किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए सरकार कूटनीतिक प्रयोगों सहित वो सभी कदम उठाएगी जो आवश्यक हों। साथ ही हमारी सरकार पाकिस्तान सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंधों के प्रति वचनबद्ध है, ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास के लिए जो प्रयास इस सरकार ने अपना कार्यभार संभालने के समय शुरू किए थे उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान के साथ इस नवीन वार्ता के 2 उद्देश्य हैं। पहला, चिंता के विषयों पर रचनात्मक बातचीत के जरिए समस्याओं का निराकरण करना और साथ ही सहयोगात्मक संबंधों को स्थापित करना तथा इस दिशा में नए मार्ग तलाशना। व्यापार और संपर्क द्वारा, लोगों के बीच आपसी संपर्क द्वारा और मानवीय पक्षों पर नई पहलों के द्वारा समूचे क्षेत्र का कल्याण हो सकता है और इससे आपसी समझ और विश्वास भी बढ़ सकता है। हम ये आशा करते हैं कि इस नवीन वार्ता से हमारे समूचे क्षेत्र में शांति और विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी इस नई पहल को पूरे सदन का समर्थन हासिल होगा। धन्यवाद।